हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष गुप्तराम मारुति ने कहा कि टैक्सी यूनियन रोहतांग रोपवे का विरोध करती है। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि रोहतांग रोपवे की वजह से हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष गुप्तराम मारुति ने कहा कि रोहतांग दर्रे को लगने वाला रोपवे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुप्तराम ने कहा कि टैक्सी यूनियन रोहतांग रोपवे का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में वे आत्मदाह तक करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रे के अलावा पर्यटन नगरी मनाली में किसी भी पर्यटक स्थल को विकसित नहीं किया गया है। एकमात्र पर्यटन स्थल होने के कारण हर साल रोहतांग पर पर्यटकों का बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने रोहतांग दर्रे को रोपवे से जोड़ने की पहल कर दी है, जो पर्यटन कारोबारियों के लिए सही नहीं है। मनाली के चौपट होते पर्यटन व्यवसाय को जिंदा रखने के लिए लामाडुंग, चंद्रखणी, हामटा और अन्य दूसरे पर्यटन स्थलों को भी रोपवे से जोड़ना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन कारोबारियों की सहमति के बिना रोहतांग दर्रे को रोपवे से जोड़ने की पहल की गई है और सरकार ने औपचारिकताएं पूरी करना भी शुरू कर दिया है, जो उचित नहीं है। गुप्तराम ने कहा कि टैक्सी यूनियन ही नहीं, रोहतांग से जुड़े हर कारोबारी व अधिकतर लोग इस रोपवे के पक्ष में नहीं है। सरकार इस रोपवे के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जो उनकी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ये रोपवे रोहतांग की बजाय अनछुए पर्यटन स्थलों में लगाया जाए, जिससे मनाली को भी नए पर्यटन स्थल मिल सके। से हमारी टैक्सी यूनियन को बहुत असर पड़ रहा है, जो कि देश प्रदेश से सैलानी आते हैं, जो कि दिसंबर माह से लेकर जून तक 14,000 की हाइट में कहीं भी बर्फ नहीं रहता है, जो कि रोहतांग दर्रा में रहता है, उसको देखने के लिए बहुत सैलानी आते हैं, जिससे बेरोजगार हम टैक्सी वाले, कोट बूट वाले, स्लेज वाले, जो भी इसमें व्यवसाय वाले, फोटोग्राफर हुए, घोड़े वाले हुए, माउंटेन बाइक वाले हुए, आपके कोई भी एक्टिविटी जो है इसमें जुड़ी हुई है, उनको बहुत असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार और जगह इसको छोड़ के, रोहतांग को छोड़ के और जगह रोपवे लगाए, जिससे कि जो है यहाँ के व्यवसाय को भी फर्क ना पड़े, यहाँ के पब्लिक को भी फर्क ना पड़े, सरकार को भी फर्क ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो नुकसान जो है टैक्सी ऑपरेटरों को पड़ रहा है और यहाँ के व्यवसाय को पड़ रहा है, जो कि 3 लाख जो है इसमें रोज रोटियां जो जा रही है। इसके लिए हमें आप अपना जान क्यों न गंवानी पड़े, हम इस रोपवे को रोक के ही बताएंगे। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।